सुबह आप ये क्या कर रहे हो? मैं वेजिटेबल स्प्राउट्स उगा रही हूँ। वेजिटेबल स्प्राउट्स? ये क्या होता है? मैंने तो बस दाल, मोट और चने के स्प्राउट्स के बारे में सुना है। 3 साल पहले तक मेरे लिए भी ये बहुत नई चीज थी, लेकिन 2018 में मैं अमेरिका के हिप्पोक्रेटिस हेल्थ इंस्टीट्यूट में एक 3 महीने का कोर्स अटेंड करने गई। ये अमेरिका का एक बहुत प्रेस्टिजियस नेचुरल कैंसर हीलिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कैसे यहाँ सिखाई डाइट और जीवन शैली अपना के लोग अपने बड़े बड़े कैंसर और ट्यूमर को एकदम ठीक कर पा रहे थे। जब मैंने और गहराई में सीखा तो ये समझ आया कि वो दिन में 2 बार सिर्फ इन्हीं स्प्राउट्स का भोजन ले रहे थे। इन स्प्राउट्स के अंदर एक बड़ी उगी सब्जी बनाने का पोषण बैठा होता है और उसी पोषण के कारण लोग अपनी हेल्थ एकदम ठीक कर पा रहे थे। तो मुझे उसी टाइम समझ आ गया था कि इतनी शक्तिशाली चीज़ के बारे में मुझे आप सबको तो बताना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वेजिटेबल स्प्राउट्स के बारे में सब कुछ शेयर करूंगी। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप सीखेंगे कि इनके फायदे क्या क्या हैं, आपको ताकत देने से लेकर इम्यूनिटी देने तक ये प्रकृति के दिए सबसे बड़े सुपर फूड क्यों हैं, और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सीखेंगे कि इनको बनाने का सही तरीका क्या है, इंडिया में उगाने के लिए बेस्ट वैरायटीज कौन सी है और आप इन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि स्प्राउट असल में होता क्या है। जब आप एक बीज को पानी के संपर्क में लाते हैं, उसके आसपास की नमी की वजह से वो अंकुरित होने लगता है, उसमें से एक छोटी सी टेल निकल आती है। इस बीज को उस टेल के साथ कहते हैं स्प्राउट। हम आज सिर्फ दालों के स्प्राउट उगाना जानते हैं, लेकिन असल में ऐसी बहुत सारी सब्जियों के बीज हैं जिनको आप अंकुरित करके खा सकते हैं। लेकिन इन स्प्राउट्स को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? जवाब नाम में ही छुपा है। ये सच में बहुत सुपर है। एस यानी स्ट्रेंथ गिविंग, यानी ताकत से भरपूर। इस मूली के स्प्राउट को देखिए, ये छोटा सा स्प्राउट बड़ा होकर एक बड़ी मूली बनता है। आप सोचिए, इस छोटे से स्प्राउट में एक इतनी बड़ी मूली बनने की शक्ति बैठी है। जब आप इसे खाते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ जाती है वो सारी शक्ति? आपके शरीर में। हमें तो हिप्पोक्रेटिस हेल्थ इंस्टीट्यूट में ये भी सिखाया था कि स्प्राउट्स एक पूरी उगी सब्जी के मुकाबले 10 से 30 गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। दूसरा फायदा, यू यानी अनअडल्टरेटेड, यानी एकदम शुद्ध। आजकल हम में से बहुत लोग ऑर्गेनिक फूड ढूंढते हैं, लेकिन या तो वो बहुत महंगा होता है या फिर भरोसा नहीं हो पाता कि असल में क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं। लेकिन स्प्राउट्स एक ऐसी चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड के। आप भरोसा कर सकते हैं कि ये शुद्ध है क्योंकि आप इन्हें खुद उगा रहे हैं। तीसरा फायदा, पी यानी प्राणिक, यानी प्राण से भरे। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 2 गमले लीजिएगा, एक में डाले कुछ स्प्राउट के दाने और दूसरे में डाले इनमें से कोई भी एक चीज़। रोज थोड़ा पानी दे। 1 हफ्ते बाद क्या होगा? जिस गमले में पका हुआ भोजन डाला था वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जिस गमले में आपने स्प्राउट डाला था उसमें से एक छोटा पौधा निकल आएगा। क्यों? क्योंकि स्प्राउट में प्राण है, जीवन है, और उन बिस्किट्स, चिप्स, नूडल्स जैसी चीज़ों में कोई जीवन नहीं। जिस चीज़ में जीवन है ही नहीं, वो आपको और जीवन तो दे ही नहीं सकते। आप सोचिए, इस छोटे से स्प्राउट में कितना जीवन, कितना प्राण, कितनी ऊर्जा बैठी है। और जब आप इसे खाते हैं, वही जीवन शक्ति आपके शरीर में ट्रांसफर होती है, आपको ऊर्जा से भर देती है, आपके निर्माण और इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और अंदर जाके बीमारियों को नष्ट करती है। अगला फायदा, ई यानी ईजी। इन्हें उगाने के लिए ना आपको चाहिए मिट्टी, ना कोई स्पेशल लाइट, ना कोई मशीन, ना बहुत सारी जगह और ना बहुत ज़्यादा टाइम। चाहिए तो बस कुछ सब्जियों के बीज, एक पतला कॉटन का कपड़ा और पानी। बस आपको बीज पानी में भिगोने हैं, जिसमें लगता है करीब 1 मिनट। अगली सुबह उनको पोटली में बांधना है, जिसमें लगता है और 1 मिनट। फिर 3 दिन तक रोज पोटली को खोल के बीज को धोना है। धोने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट। 5वें दिन तक
इनमें से लंबी लंबी टेल निकल आती है और ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 5 दिन में आपको टोटल में कितना समय लगा? सिर्फ 5 मिनट। ये सिर्फ उगाने में आसान नहीं बल्कि पचाने में भी बहुत आसान है। पचाने में आसान कैसे? बहुत लोगों को तो स्प्राउट्स खा के गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन हो जाता है। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। स्प्राउट 2 तरह के होते हैं। एक जो आप सालों से जानते आए हैं, चने और दालों के स्प्राउट, और दूसरी तरफ है सब्जियों के स्प्राउट। अनाज और दालों के स्प्राउट को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए इनको खाकर कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन महसूस होती है। ये उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, जैसे कि बच्चे, एथलीट्स, भाग दौड़ करने वाले खिलाड़ी, फिजिकल काम करने वाले मजदूर। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादातर समय बैठने करने का जीवन जीते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं सब्जियों के स्प्राउट। इन्हें पचाना बहुत आसान होता है और इनको खाकर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन का सवाल ही नहीं। लेकिन लास्ट आर क्या है सोचिए? रीजनेबल, यानी ये सस्ते होते हैं। स्प्राउट उगाने पर एक बीज अपने से 10 से 15 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है, तो कुछ ही रुपयों में आपके लिए इतने सारे स्प्राउट्स उग जाते हैं। तो आइए अब सीखते हैं इंडिया में उगाने के लिए बेस्ट स्प्राउट्स कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारी सब्जियों के बीज हैं जिनके आप स्प्राउट उगा सकते हैं, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद हमने ये पाया कि इंडिया में उगने वाली 4 सबसे बढ़िया वैरायटीज़ हैं। अल्फाल्फा, मूली यानी रेडिश, क्लोवर यानी तिपतिया और फेनुग्रीक यानी मेथी। ये 4 ऐसी वैरायटी हैं जो बहुत ही आसानी से बिना कोई झंझट के भारतीय मौसम में अच्छे से उग जाती हैं। आप सोचेंगे, अरे लेकिन ये बीज मुझे मिलेंगे कहाँ से? आप इन्हें अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इजी बनाने के लिए ये सीड्स हमने सात्विक मूवमेंट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल किए हैं। वेबसाइट से आप इन 4 वैरायटीज़ का पैक ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेथी के बीज तो शायद आपके पास अभी ही अपनी किचन में रखे हों, उनको उगाना तो आप अभी तुरंत शुरू कर सकते हैं। अब सीखते हैं इन्हें उगाते कैसे हैं। स्प्राउट उगाने का पहला स्टेप है भिगोना। 2 बड़े चम्मच बीज लेके उन्हें एक बार धो लें और फिर एक बर्तन में डाल लें। बर्तन में बीज से 1 इंच ज़्यादा पानी ज़रूर भरें। इन्हें रात भर भिगोने के लिए रख दें। दूसरा स्टेप है पोटली करना। तो अगली सुबह बर्तन में से पानी निकाल दें, एक बार बीज को पानी से धो लें और फिर इस तरह का पतला सूती मलमल का कपड़ा लें। ये कोई स्पेशल कपड़ा नहीं है, सिंपल पतला सा कॉटन का वाइट कलर का कपड़ा है। इसके बीच में अपने भिगोए हुए बीज रखें और कपड़े को कसकर बांध दें ताकि बीज की ऐसी पोटली बन जाए। अब इस पोटली को एक कटोरे में रखकर एक प्लेट से ढक दें। ये कटोरा आप अपने किचन काउंटर पर रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। धूप में रखने से ये जल सकते हैं। आखिरी स्टेप है धोना। अगले 3 दिन तक आपको एक बार सुबह और एक बार शाम अपनी पोटली को खोलकर पानी के नीचे देना है। बस थोड़ा सा गीला करके फिर से कसकर बांधकर वापस कटोरे में रख देना है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि इनमें नमी बनी रहे। उगने के लिए नमी बहुत ज़रूरी है। बस 3 दिन ऐसे सुबह शाम धोइए और 4th दिन तक आपके स्प्राउट में से ऐसी लंबी टेल निकल आएगी। इसका मतलब ये खाने के लिए तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है, बस भिगोना, पोटली करना और धोते जाना। 4th दिन पृथ्वी का सबसे पौष्टिक भोजन आपके खाने के लिए तैयार है। अलग अलग बीजों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन 4-5 दिन में सब खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद आप इन्हें कांच के डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि फ्रिज में रखने से पहले इन्हें पूरी तरह सुखाना ज़रूरी है। आप इन्हें सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख सकते हैं। ये स्प्राउट आराम से 5-7 दिनों के लिए चल जाते हैं। आइए अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल डिस्कस करें। पहला सवाल, इन स्प्राउट को हम इस्तेमाल कैसे करें? सबसे अच्छा है स्प्राउट को अपने सैलेड में डाल के खाएं। स्प्राउट को थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालने के बजाय अपने सैलेड का मेन हिस्सा बनाएंगे। एक परफेक्ट सैलेड बनाने के लिए 30% सब्जियों के स्प्राउट डालिए,
30% कोई भी सब्जियाँ जैसे कि खीरा, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, गोभी और 30% हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि पालक, धनिया, सलाद पत्ता, पत्ता गोभी, मेथी। 10% टॉपिंग के लिए आप घर पे बनी स्वादिष्ट चटनियाँ डाल सकते हैं और कोई मेवे या घिसा हुआ नारियल। इस सैलेड को अपने किसी भी एक मील से रिप्लेस करें, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। इसके अलावा आप स्प्राउट्स को सूप के ऊपर डाल सकते हैं, टिक्की पे लगाकर खा सकते हैं, किसी भी दूसरी चीज़ में डालकर खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनको ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, कम से कम आधा कप। अगला सवाल, अगर इन स्प्राउट में फफूंद लग जाती है तो क्या करें? कुछ लोगों को कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब स्प्राउट खराब हो जाते हैं या उन पर थोड़ी भी फंगस या मोल्ड लग जाती है, चिंता ना करें, फिर से कोशिश करें। इस बार उनको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी हवा चलती रहे। अगर आपकी किचन में खिड़की है तो उसके पास रख सकते हैं, या फिर स्प्राउट के पास एक छोटा पंखा रख दें। फफूंद या मोल्ड तभी लगती है जब स्प्राउट को अच्छे से हवा नहीं मिल पाती। जैसे ही हवा बढ़ाएंगे फफूंद लगनी बंद हो जाएगी। अपनी स्प्राउट किट ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर स्प्राउट से बनी कुछ स्वादिष्ट रेसिपीज़ ज़रूर ज़रूर देखें, ताकि आप इन्हें यूज़ करने के और तरीके सीख सकें।